जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल एक भाई ने कमेंट किया था, उसने पूछा था सर जो मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है उसमें जो मेरा नाम था वो गलत हो गया, तो क्या हमारा जब फिजिकल के लिए वहां पे बुलाया जाएगा तो क्या हमें वहां पे कट कर दिया जाएगा, यानी हमें क्या वहां पे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ, अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप फिजिकल में डिस्क्वालिफाई बिल्कुल वहां पे नहीं होंगे। इसके लिए करना क्या है आपको, एक आपको एफिडेविट बनवा लेना है, और जो आपका एफिडेविट बनेगा उसमें आपको क्या मेथड टाइप कराना है, उसमें सिंपल सा आपको टाइप करवा लेना है जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट था उसमें जो आपका सही नाम है। सबसे पहले क्या टाइप कराना है कि हमारा नाम ये है, मेरे पिताजी का ना, पूरा डिटेल जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आपको उसमें इंटर कर लेना है जो एफिडेविट आपका बनेगा। और उसके नीचे आपको ये भी लिखवा देना है कि गलती से ये हमारा बन गया है। इससे क्या होगा, अगर आप एफिडेविट अपना बनवा के जाएंगे जब फिजिकल के लिए वहां पे आपको बुलाया जाएगा, वहां पे अगर आप अपना एफिडेविट दिखवा देंगे तो आपको वहां पे बाहर नहीं किया जाएगा। और ये केवल आपका सर्टिफिकेट के ही लिए नहीं होगा, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी गलती हो गई है तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। अगर आप अपने साथ एफिडेविट लेके जाएंगे तो फिजिकल के टाइम आपको वहां बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात और ये भी याद कर लेना कि जो आपका जो सर्टिफिकेट नाम गलत है आप अपने बोर्ड में जाकर उसका करेक्शन जरूर करवा लेना। अभी फिलहाल आप फिजिकल में डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद जब आपको बीआरओ या एआरओ में आपको बुलाया जाएगा तब तक आप अपना जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें करेक्शन करा लेना। ये बोर्ड से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं जो जितने भी आपके डाउट क्लियर करा लूँ, सारे डाउट आप जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई डाउट ऐसा जरूर होगा जो आपके बिल्कुल काम आएगा और जिसके कर आपको फिजिकल में कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और इसके बाद एक अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं सब झूठ बोलते हैं साले, और यानी 29 नंबर वालों का ही सिलेक्शन है और सब बेकार, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात ये बता देना चाहूँ खास तौर पर आपको, क्योंकि जो आर्मी नर्सिंग की ट्रेड होती है ना इसमें 39 वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अभी तक जो पेपर हुए थे ना उसकी जो कट ऑफ गई थी, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे दानापुर हो, चाहे जयपुर हो, यहाँ पे जो 41-42 क्वेश्चन तक वहां पे करके आए थे उन लड़कों का सिलेक्शन वहां पे हुआ था। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि जो आपका सिलेक्शन होता है यानी जो आपका कट ऑफ बनता है, कट ऑफ हमेशा आपका बनता है पेपर के लेवल पे ही बनता है। पिछली बार क्या हुआ, पेपर नॉर्मल आया, इस वजह से अभी कट ऑफ काफी ज्यादा वहां पे चली गई। और इस बार का जो पेपर आपका बना था ना आउट ऑफ सिलेबस ही था। अगर कोई बंदा ऐसा हो ना जो हमें ये कंफर्म बता दे कि मेरे 39 क्वेश्चन सही हैं तो मैं जानूं, क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी कई लड़कों से बात किया है, किसी भी लड़के का ये 39 क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला जिसने बोला कि मेरे 39 क्वेश्चन वहां पे सही हुए हैं। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना है कि जो कट ऑफ बनती हमेशा ये पेपर के लेवल पे ही आपकी बनती है। और जो इस बार का आपका पेपर आया था आर्मी नर्सिंग का, तो उसका जो लेवल था पेपर काफी हार्ड वहां पे पूछा गया था, वहां पे ज्यादातर बच्चे 20-22 बच्चे यही 30 के अंदर ही सबसे ज्यादा बच्चे आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। तो ये बताओ कैसे कट ऑफ आपकी 39+ वहां पे चली जाएगी। तो भाई इन लोगों के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं आना। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ 27-28 क्वेश्चन तक सही है, अपने फिजिकल की तैयारी करिए, आपका फिजिकल में बिल्कुल वहां पे नाम आएगा। और इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है ना ये उस बात पे डिपेंड करती है कि जो बच्चा किसी एआरओ या जडआरओ में फिजिकल के लिए जाता है वहां पे कितना बच्चा आपका डिसक्वालीफाई होगा। क्योंकि इस समय हो क्या रहा है, काफी बच्चा की क्वेश्चन कम सही, यानी कम क्या है 29-30-32 क्वेश्चन तक किसी बच्चे के अगर सही होंगे ना वो लड़का भी फिजिकल की तैयारी वहां पे अपनी नहीं कर रहा है। और जिस कारण से क्या होगा, फिजिकल में काफी बच्चे वहां बाहर आपके किए जाने वाले हैं। तो अगर आपके 27-28 क्वेश्चन तक सही है तो अपने फिजिकल की तैयारी करिए, आपका बिल्कुल फिजिकल नाम वहां पे आ जाएगा। और अगला डाउट था, इसमें पूछा जाए सर मुझे चश्मा लगा हुआ है यानी 1.5 नंबर का अभी आर्मी नर्सिंग का एग्जाम दिया है तो क्या कोई दिक्कत वहां पे होगी कि नहीं होगी। तो भाई देखो वहां पे चश्मा लगा है नहीं लगा उसे कोई मतलब आपका नहीं होता है। जब भी आप आर्मी में अपना आपका मेडिकल टेस्ट वहां पे कराया जाता है ना तो वहां पे सीधा सीधा स्क्रीन में या तो किसी कंप्यूटर में दे देते हैं, कोई वर्ड वहां पे लिख के दे देते हैं, जो वर्ड आपके होते हैं छोटे अक्षर भी होते हैं, बड़े अक्षर भी होते हैं, मिडिल अक्षर भी आपके होते हैं, यानी कि हर साइज के वहां पे अक्षर आपसे दिए जाते हैं।
तो वहां पे सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाता है कि जो फर्स्ट रो है इसका सेकंड लेटर क्या है, जो थर्ड रो उसका सेकंड लेटर क्या है या थर्ड लेटर क्या है। अगर आप वहां पे उन जो अक्षर वहां पूछे जाते हैं अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को नहीं मिलती है, अगर आपको चश्मा लगा हो या ना लगा हो। अगर आप वहां पे जो अक्षर पूछे जाते हैं अगर आप उन्हें नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे आपकी जो आंखें वीक भी ना हो, कमजोर भी ना हो, वहां पे अगर आप वहां पे अक्षर ना पढ़ पाए ना, तो आपको मेडिकल में उसका पॉइंट वहां पे आपका दे दिया जाएगा। तो बस इसी के प्रैक्टिस करते रहिएगा, यानी कि अपने 10 मीटर आगे छोटे अक्षर बड़े अक्षर जो लिखे रहते हैं उनकी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि किसी को भी मेडिकल में कोई दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। और अगला डाउट था, इसमें पूछा गया है सर आधार कार्ड में करेक्शन हुआ है क्या कोई समस्या होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों आधार कार्ड में अगर कोई करेक्शन हुआ इससे कोई समस्या नहीं होती। करेक्शन केवल उन लोगों को ज्यादा होती है अगर आप जो लड़के पहले भर्ती देखते थे, ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या, उनकी जो एज थी वो निकल गई और उसके बाद उन्होंने किया क्या, दोबारा हाई स्कूल किया, इंटर किया, और अपना जो आधार कार्ड का डेट ऑफ करेक्शन है वो करेक्शन वहां पे करा लिया, तो देखो उनको दिक्कत वहां पे देखने को मिल सकती है। अगर आपका डेटा पर करेक्शन कराए लेकिन पहले आपने भर्ती आर्मी की कभी नहीं देखी है तो कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं होगी, चाहे आपने करेक्शन किसी भी चीज का कराया हो, चाहे नाम को, चाहे एड्रेस को, चाहे डेट ऑफ बर्थ को, उससे कोई प्रॉब्लम आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। और अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है कि सर इस भर्ती में कितनी वैकेंसी रहेंगी। वैसे दोस्तों जो आपकी आर्मी की वैकेंसी आती ना, इसमें पोस्ट कभी भी ओपन नहीं किए जाते कितने पोस्ट इस बार आपके आने वाले हैं, लेकिन इस बार होगा क्या, जो आपके सभी ट्रेड है ना, सभी ट्रेडों में आपको वैकेंसियां ज्यादा ही देखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि जो ये वैकेंसियां आती है इस बात पर डिपेंड करते हैं जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसमें कितनी वैकेंसियां खाली, यानी कितने लड़के वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो इस समय क्या हो, ज्यादातर जो ट्रेनिंग सेंटर है वो खाली ही है, तो इस बार जो भी वैकेंसी आएंगी ना आपकी ज्यादा ही पोस्ट वहां पे देखने को आपको मिलने वाली। और एक अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है सर रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा क्या, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन मेंशन नहीं किया गया है। दोस्तों जो रिलीजन सर्टिफिकेट होता है यानी जो धर्म का सर्टिफिकेट बनता है ये सभी को नहीं बनवाना पड़ता, ये 3 कास्ट को जरूर बनवा लेना चाहिए। पहला होता है जो आपके मुस्लिम आते हैं और उसके बाद आता है जो ईसाई आते हैं, उसके बाद क्या होता है जो सिख आते हैं, इन जो 3 कास्ट होते हैं इनका रिलीजन सर्टिफिकेट भी वहां पे आपका मांगा जाता है। और इसके बाद जो अगला डाउट था इसमें पूछा जा रहा है सर रनिंग टाइम प्रॉब्लम होती है क्या करें। तो भाई देखो अगर आपको फिजिकल में कोई भी आपको दिक्कत होती है तो दोस्तों सीधा सीधा आपको YouTube पे सर्च करना अरविंद ठाकुर टॉप्स, जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस चैनल में प्रॉपर आपको डिटेल से बता रखा है कि जब नए बच्चे होते हैं वो फिजिकल की शुरुआत कैसे करें और जो उनका रनिंग का टाइम कैसे वहां पे कम हो सके और सांस होने वाली दिक्कत क्या होती है और जब तक आप फिजिकल तैयारी करते हैं आपको क्या डाइट लेना चाहिए ताकि जो आपका रनिंग का टाइम हो बहुत जल्दी आपका इम्प्रूव वहां पे हो सके, मैंने वहां प्रॉपर डिटेल्स से आपको बता रखा है। तो सीधा सीधा यूट्यूब पे सर्च कर लेना अरविंद ठाकुर टॉक्स, वहां पे फिजिकल के रिलेटेड यानी फिजिकल जब तक आपका कराया जाएगा मैं वहां पे डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठे ही अपना फिजिकल वहां पे तैयार कर सके। तो एक बार उस चैनल में जाकर वो सारे वीडियो जरूर देख लेना, आप अपना फिजिकल घर बैठे वहां से बना सकते हैं। और एक अगला डाउट था इसमें पूछा जा रहा है सर आर्मी का एनए का आंसर की कब तक आ जाएगा। दोस्तों आर्मी नर्सिंग का ही नहीं, आर्मी के जितने भी आपके ट्रेड होते हैं किसी के भी आंसर की आपकी वहां पे नहीं आती, सीधा सीधा इसका आपका रिजल्ट ही आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है सर मेरा पैन कार्ड नहीं बना है तो क्या करें। तो दोस्तों पैन कार्ड आप बिल्कुल बनवा लेना है, फिलहाल अभी आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत आपको फिजिकल के टाइम तो नहीं होगी, लेकिन जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा यानी जब आपका डिस्पैच वहां पे कराया जाएगा तो उस समय आपका पैन कार्ड बिल्कुल वहां पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ से डिस्पैच होगा आप ट्रेनिंग सेंटर वहां पहुंचेंगे वहां भी केवल 2 आईडी आपसे और मांगी जाएंगी, एक तो आपका आधार कार्ड होगा एक आपका पैन कार्ड होगा,
क्योंकि वहां पे जो आपका सैलरी अकाउंट होता है वो वहां पे ओपन कराया जाता है, और बैंक वाले वहां पे केवल दो ही आईडी आपसे मांगते, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ, पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से ही बनवा लेना, ये अभी अगर बनवाते हैं तो 4-5 दिन में आपका पैन कार्ड बन के कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपका जब भी डिस्पैच हो तब आपको कोई दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। और अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर रिजल्ट कब आएगा एनए का। दोस्तों एनए का ही रिजल्ट है, जितने भी आर्मी के ट्रेड हैं उन सभी की जो रिजल्ट है लगभग सभी के कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका जो रिजल्ट डेट कोई फिक्स आपका नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 30 मई के पहले कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए और फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे इसका रिजल्ट आएगा ज्यादा टाइम आपको वहां पे फिजिकल के लिए वहां पे नहीं दिया जाएगा। और फिजिकल कैसे तैयार करना, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपको करना है क्या, अरविंद ठाकुर टॉक्स यूट्यूब पे लिख के सर्च कर देना, वो चैनल आ जाएगा, वहां प्रॉपर आप देख लेना कैसे आप घर बैठे अपने फिजिकल की तैयारी वहां से आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट भी होता आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कल मैं जो दूसरी वीडियो लेके आऊंगा वहां पे उस डाउट को भी आपको प्रॉपर डिटेल से वहां पे आपको बता दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, वीडियो को लाइक कर देना, होगा चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस भर्ती के कुछ भी आपका अपडेट होता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक वहां पे पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।